किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गन्ने की फसल के अंदर जो है लिक्विड वाली सागरिका डालनी चाहिए या फिर दानेदार सागरिका डालनी चाहिए। इन दोनों में से ज़्यादा अच्छी सागरिका कौन सी है किसान साथियों, किसके क्या रिजल्ट हैं, कौन सी कितने दिन के अंदर कार्य करती है, किसके क्या रेट हैं, क्या प्राइस हैं, कहाँ पर यह मिल सकती है, पूरी जानकारी किसान भाइयों इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखें तभी आप एक सही व सटीक जानकारी ले पाएंगे। आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है, क्या किसान भाइयों सही जानकारी आपको मिल रही है, जैसे ही आप लोग चाहते हैं तो किसान भाइयों आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि मैं जो है मोटिवेट हो सकूं और आगे आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो किसान साथियों लाभ बना करके ला सकूं और आपको किसान भाई इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। तो अब बात करें किसान साथियों, कल की वीडियो मैंने सागरिका के ऊपर बनाई थी जिसमें मैंने सागरिका को दानेदार के रूप में बताया था, लेकिन कुछ किसान भाइयों के कमेंट ये आ रहे हैं कि हम लिक्विड वाले डालें या दानेदार डालें, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आपको मैं बताऊँगा कि इन दोनों में से ज़्यादा अच्छी सागरिका कौन सी है और कौन सी सागरिका के ज़्यादा अच्छे परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। तो किसान भाइयों पहले मैं आपको बता दूँ कि सागरिका के अंदर कौन कौन से तत्व हैं जो हमारे गन्ने की फसल के लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं। किसान भाइयों सागरिका के अंदर जो है सल्फर है, जिंक है किसान साथियों, बोरॉन है, इसके अलावा कैल्शियम है, पोटेशियम है, फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, अमीनो एसिड्स हैं, साइटोकाइनिन है, जिब्रेलिक एसिड्स हैं, आयरन है, कॉपर है और ना जाने लगभग 60 ऐसे पोषक तत्व हैं किसान भाइयों इसके अंदर सागरिका के अंदर, जो कि किसान भाइयों हमारे गन्ने की फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, बहुत ही ज़्यादा अति आवश्यक हैं। ऐसा नहीं किसान साथियों कि हम सागरिका गन्ने की फसल के अंदर नहीं डालेंगे तो हमारी गन्ने की फसल नहीं होगी। आप बिल्कुल भी सागरिका नहीं डालें तब भी गन्ने की फसल आप ले सकते हैं उत्पादन, लेकिन किसान भाइयों आप सागरिका का उपयोग कर लेते हैं तो आपके गन्ने के अंदर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि गन्ने की जो ग्रोथ होगी वो लगातार होती रहेगी, गन्ना आपका हरा भरा रहेगा किसान साथियों, गन्ने की मोटाई में भी काफ़ी ज़्यादा अंतर आएगा और गन्ने के जो में जो आपकी सुक्रोज की मात्रा होगी, मिठास की मात्रा होगी, यह भी किसान भाइयों काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप एक बार अपने गन्ने की फसल के अंदर सागरिका का उपयोग किसान साथियों जरूर से जरूर करें और इसके बेनिफिट जो है आप ले सकते हैं। अब किसान भाइयों बात कर लेते हैं कि दानेदार सागरिका और लिक्विड सागरिका। यदि मैं किसान साथियों लिक्विड सागरिका की बात करूं तो लिक्विड सागरिका का उपयोग जो है आप पौधे गन्ने के अंदर भी कर सकते हैं और पेड़ी गन्ने के अंदर भी कर सकते हैं। पेड़ी गन्ने में यदि मैं इसके स्प्रे की बात करूं तो आपको लगभग किसान साथियों 45 दिन की जब आपकी पेड़ी गन्ने की फसल हो जाए कटाई के बाद उस समय पर आप सागरिका का उपयोग कर सकते हैं। और यदि मैं इसकी मात्रा की बात करूं तो लगभग 800 ml तक किसान साथियों प्रति एकड़ आप यदि डालते हैं किसान साथियों तो आपको शानदार परिणाम देखने को मिल सकते हैं, जबकि यदि आप इसे 500 ml के हिसाब से डालते हैं प्रति एकड़ तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिल सकते किसान साथियों। तो इसलिए यदि आप लिक्विड सागरिका का उपयोग करते हैं तो 800 से लेकर के 850 ml प्रति एकड़ तक के हिसाब से आपको लिक्विड सागरिका लेनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों दानेदार सागरिका के बारे में। दानेदार सागरिका यदि आप उपयोग करना चाहते हैं तो इसका उपयोग आपको किसान भाइयों यदि आप अपने गन्ने की फसल के अंदर ज़्यादा उर्वरक पहले पानी पर डाल रहे हैं तो आपको दानेदार सागरिका का उपयोग हमेशा दूसरी सिंचाई पर जो है दूसरे पानी पर करना चाहिए, उसमें आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। और जो दानेदार सागरिका होती किसान साथियों इसे किसान भाइयों आपको 800 से लेकर के 10 किलोग्राम प्रति एकड़ डालने चाहिए। और किसान भाई जो दानेदार सागरिका होती है लगभग 30 से लेकर के 45 दिन के अंदर घुलती है, उससे पहले यह नहीं घुल पाती है और यह धीरे धीरे लंबे समय तक किसान साथियों आपके गन्ने की फसल को जो है ग्रोथ देती रहती है, गन्ने को हरा भरा रखती है और गन्ने की मोटाई भी यह लगातार बढ़ाती रहती है। तो इस तरीके से किसान भाइयों आप लिक्विड सागरिका का उपयोग कर सकते हैं और दानेदार सागरिका का उपयोग कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं किसान साथियों कि इन दोनों में से ज़्यादा अच्छे किसान भाइयों के लिए कौन सी रहेगी, लिक्विड वाली या दानेदार वाली। किसान भाइयों बताने से पहले एक बात और बता दूं कि यदि आपको यह खरीदनी है तो आप कहीं भी इफ़को के स्टोर से खरीद सकते हैं। इसके अलावा किसान साथियों इफ़को.in ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं और भी किसान भाइयों जहां पर भी लोकल जो दुकानें हमारी आजकल मार्केट में यहां पर भी सागरिका आसानी से मिलने लगी, वहां से भी किसान भाइयों आप सागरिका खरीद सकते हैं और अपने गन्ने की फसल के अंदर इसका उपयोग कर सकते हैं। कम से कम किसान भाइयों बात करें तो एक बार आपको सागरिका का उपयोग करके देख लेना चाहिए, यदि आपको इसके रिजल्ट मिलते हैं तो आगे भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, यदि आपको रिजल्ट ना मिले तो आप बिल्कुल भी इसका उपयोग ना करें। मैं इसका उपयोग पिछले किसान साथियों 3 से 4 सालों से कर रहा हूँ, मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट इसको देखने को मिल रहा है। आप भी किसान साथियों सागरिका का उपयोग करें। बात करें तो लिक्विड वाली किसान भाइयों 800 ml प्रति एकड़ और दानेदार सागरिका 10 किलोग्राम प्रति एकड़। बात कर लेता हूं इसके कंक्लूजन की, यानी कि इन दोनों में से ज़्यादा अच्छी कौन सी सागरिका है। किसान भाइयों यदि मैं गन्ने की फसल की बात करूं तो इन दोनों में से ज़्यादा अच्छी है वो है दानेदार वाली सागरिका, क्योंकि किसान भाइयों मैंने लिक्विड सागरिका का उपयोग करके देखा और दानेदार सागरिका का उपयोग करके देखा, मुझे जो ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिले किसान भाइयों वो दानेदार वाली सागरिका के ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिले, क्योंकि दानेदार वाली जो सागरिका है ये लंबे समय तक किसान साथियों धीरे धीरे घुल करके काम करती रहती है और आपके गन्ने की फसल को धीरे धीरे पोषक तत्व उपलब्ध कराती रहती है और लगातार रिजल्ट देती रहती है।
और किसान भाई जो लिक्विड वाली उसके रिजल्ट जल्दी आते हैं, जल्दी चले भी जाते हैं, यानी कि मैं प्रेफर करूं यदि आप मेरी राय चाहते हैं तो मेरे हिसाब से किसान भाइयों आपको दानेदार सागरिका का उपयोग करना चाहिए लिक्विड के मुकाबले। तो इस तरीके से कि आपको जो है पूरी बात बता पाया हूं किसान भाइयों कि लिक्विड में और दानेदार में कौन सी ज़्यादा अच्छी है। और किसान भाई यदि मैं इनके प्राइस की बात करूं तो लगभग 420 रुपये प्रति किसान साथियों एक लीटर, माफ़ी चाहूँगा 415 रुपये की लगभग 10 किलोग्राम दानेदार सागरिका मिल जाती है। और यदि मैं लिक्विड की बात करूं तो लगभग 500 रुपये के आसपास का खर्चा एक एकड़ का किसान भाइयों आ जाता है। तो इस तरीके से जो है आप सागरिका दानेदार और लिक्विड का उपयोग अपने गन्ने की फसल के अंदर कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। अगली वीडियो आप गन्ने की फसल के ऊपर किस टॉपिक पर चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ एक नई जानकारी। किसान साथियों धन्यवाद।